परिवार जोड़ो अभियान के तहत लोगों से घर घर जाकर मिलना हो रहा है। लोग मिलने पर अपनी व्यथा सुनाते दिखाई देते हैं। ग्राम पंचायत मड़ावाला में एक परिवार से मिलना हुआ। ये परिवार बेहद तंगहाली में दयनीय अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसे में सरकार इनको सुविधाएं मुहैया करने की बजाय इनको लूटने में लगी है। ये कहना आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजीत उप्पल का है। रंजीत उप्पल ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें महिला ने बताया कि उसके दो बल्ब और एक पंखा चलता है और सरकार ने इनको 5,000 का बिजली का बिल थमा दिया। ये गरीब परिवार जो बड़ी मुश्किल से गुजर कर रहा है, भारी भरकम बिल को कैसे चुकाएगा? बेहद शर्मनाक बात है। सरकार जनता को सरेआम लूट रही है और सुविधाएं देने के नाम पर गड्ढों से भरी हुई टूटी फूटी सड़कें मिल रहे हैं। नालियां नाले गंदगी से भरी पड़े हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं, ऊपर से सरकार भारी भरकम टैक्सों का बोझ जनता पर लाद रही है। भारी महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी। रंजीत उप्पल ने कहा कि हरियाणा को यदि बदहाली से बचाना है तो एक मौका केजरीवाल को देना होगा। मैं जी 2 महीने का बिल आया वा 5,000 रुपया, मैं नहीं भर सकती जी। ठीक है। मेरे खाने की भी सेंस है जी, जो मकान वो भी गिर गए है। मैं किसी काबिल नहीं है, ना कोई मेरी मदद करता। असि जिस पर भी मदद करने वास्ते जाए कहते जी कोई ना आऊंगी सरकार देखूंगी, आगे कोई मदद नहीं कर रहे। हूँ अगे जी देखने वाले आए बेचारे झाड़ू वाले, इनके बस साड़ा ये है। चलो आज हम गोरखनाथ गांव में हैं और ये बेचारी माता जी गरीब परिवार से हैं और छोटा सा परिवार है और दो कमरे हैं। उन कमरे में से भी एक कमरा ये देखो, ये टूटा पड़ गया, ये सारा कमरा, ये कमरा टूट गया इनका गरीब का। और दूसरी बड़ी बात ये देखो, सारा घर इनका टूटा पड़ा है और इनका बिल जो है 5,000 के करीब आया। तो बल्ब कितने इसके घर में? एक दो बल्ब, एक बाहर एक और अंदर। मैं प्रशासन और सरकार को कहना चाहता हूँ कि ऐसे गरीब लोगों को सहूलतें की जरूरत है, मदद की जरूरत है। इनको इनकी विचारों को सुनवाई होनी चाहिए, इनको जरूरत होनी चाहिए। तो सरकार और प्रशासन को, ये बिल के सताए हुए लोग हैं, इनका बिल जो है वो इंक्वायरी करके इनका बिल जो है माफ करा जाए।